रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। रानी लक्ष्मीबाई की 19 नवंबर को जयंती के मौके पर इस साल केंद्र सरकार और यूपी सरकार द्वारा मिलकर झांसी जलसा नाम से भव्य आयोजन करने जा रही है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व देश की रक्षा के प्रति हमारे संकल्प और समर्पण के साथ साथ भारतवासियों के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान की अद्भुत परंपरा का उत्सव है। आजादी के बाद महिलाओं को राष्ट्र रक्षा के काम में बहुत सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका नहीं मिला, मगर अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को संभाली है, बहुमानों की हर हमारे फोर्स में भागीदारी बढ़ रही है, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वन नेवी हो। जब मैं देश का गृह मंत्री था तो मैंने एक एडवाइजरी भी सभी राज्यों को जारी की थी कि सभी राज्यों को यह प्रश्न करना चाहिए कि पुलिस के अंदर भी कम से कम 35% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, उस होना चाहिए, यह आदेश हमने उस समय जारी किया था। मैं राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी को और रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस अवसर पर इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन करने के लिए स्वयं माननीय रक्षा मंत्री जी इस झांसी की धरती पर पधारे हैं, मैं उनका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गाजीपुर में जनसभा निकाली। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होकर रहेगा, जो कुछ हो रहा है सरकार में वह सभी देख रहे हैं। जिस तरह डीजल और पेट्रोल महंगा है वह हमारे गरीब लोगों के लिए समस्या है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार का सफाया होगा। गाजीपुर के लोगों को लाल, पीला, नीला, सरीखे इंद्रधनुषी रंग के लिए धन्यवाद दिया। बहुत सी चीजें लोगों से छीनी गई हैं, वो चीजें जो छीनी गई वो वापस होंगी। मैं अपने साथ ओम प्रकाश राजभर जी का भी धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर संजय चौहान जी का भी धन्यवाद, और समाजवादी जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि इन लोगों का सहयोग मिलता रहा है और आने वाले समय में यही पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक सफाया करने का काम करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार विधानसभा चुनाव के लिए यूपी दौरे पर हैं। इस कड़ी में चित्रकूट का दौरा किया। प्रियंका ने स्वामी मत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर में पूजन कर सभी का अभिवादन किया। मंदिर के पूजन के बाद प्रियंका मंदाकिनी किनारे बने मंच पर पहुंची। यहां उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया। प्रियंका गांधी ने दिया है लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा। इसी अभियान के तहत किया शक्ति संवाद। कुछ तो ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं, इस तरफ भी आ जाती हूँ, कुछ तो ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए, लेकिन इससे फायदा आपका भी बहुत होगा। पहले मैं वो पढ़ ली थी, तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। गेहूं और धान 2500 में खरीदा जाएगा और गन्ने का किसान 400 रुपए पाएगा। आपकी बड़ी बड़ी बिजली के बिल आते हैं, काफी बहनों ने मुझे बताया कि बिजली नहीं आ रही है लेकिन बिल जरूर आ रही है, तो जो बिजली की बिल है उसको सब बिलों को हम माफ कराएंगे। कोरोना काल में जो बताया था, खासतौर से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, कोरोना काल में उनको बिजली की बिल फिर भी भरनी पड़ी लेकिन काम धंधा बंद हो गया, तो उनके लिए हम पूरी तरह से वो बिजली बिल माफ कराएंगे। कोरोना की जो आर्थिक मार थी, जो सबसे गरीब परिवार है, जो सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हुए, जिनकी आमदनी प्रभावित हुई, उनके लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 लाख सरकारी रोजगार हम बनवाएंगे।
बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को करारा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए। एमएलसी नरेंद्र भाटी, सीपी चंद्र, रविशंकर सिंह और रमा रंजन ने सपा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने सीतापुर से विधायक राकेश राठौर को सपा में शामिल कराकर बीजेपी को झटका दिया था। अब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी पार्टी में शामिल कराकर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। सभी नेता जो पार्टी में आज ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज नींद नहीं आएगी अपने से। आने से ये बहुत बड़ी ताकत है और आप लोगों से भी अपेक्षा रहेगी कि जो आपके मित्र मंडली है आप सपा से एक एक को चुन चुन कर सेक्टर से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता जो भी आपके वहां पर रहते हैं वह सभी लोग बीजेपी से जुड़ जाए, इसकी आप सबको चिंता करना है। नीचे तक के कार्यकर्ता आप चारों से ही मेरा निवेदन है, आग्रह। किसानों का उत्पीड़न और गन्ना बकाया भुगतान को लेकर सैकड़ों कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं हरीश रावत राज्य सरकार पर जमकर बरसे। रावत ने कहा कि सरकार तमाम मोर्चों पर फेल साबित हुई है। इस सरकार में किसान परेशान है, अपने हक हुकूक के लिए सड़कों पर रातें गुजारने को मजबूर हो रहा है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है। उन्होंने बढ़ती महंगाई, गन्ना बकाया भुगतान और किसानों के उत्पीड़न को लेकर सरकार पर हमला बोला। ये उत्तराखंड सरकार की गन्ना विरोधी जो नीति है, गन्ना किसान के विरोध में जो नीति है और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो किसान विरोधी नीतियां अपनाई जा रही हैं, उसके विरोध में है। गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं हो रहा है, किसान को आगे की फसल बोने का रोड मैप नहीं बन पा रहा है क्योंकि खरीद मूल्य घोषित नहीं है और दूसरी तरफ खाद नहीं मिल रही है लोगों को। और यहाँ इकबालपुर चीनी मिल पर बड़ी राशि करीब 200 करोड़ से ज्यादा किसानों का बकाया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में पुरजोर कोशिश से जुटी है। आप नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा ऐलान किया है। आपके सीएम पद के चेहरा कर्नल अजय कोटियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब तक का इतिहास है कि जो गंगोत्री सीट से चुनाव जीतता है उसी की पार्टी सरकार बनाती है। गंगोत्री के लोगों के लिए, उत्तरकाशी के लोगों के लिए, गंगोत्री विधानसभा के लोगों के लिए कर्नल कोटियाल साहब का नाम किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। यहाँ के बच्चे बच्चे के दिल से वो जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में एक बड़ा उत्साह भरा नाम, लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही एसआईटी में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मजा चौहान, दीपेंद्र सिंह और एसबी शिरोडकर को एसआईटी टीम में शामिल किया है। एसआईटी पूर्व जज जस्टिस राकेश जैन को रिपोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद करेगी सुनवाई। उन्नाव में जीका वायरस का मरीज मिलने के बाद प्रशासन चौकन्ना है। लखनऊ की 2 सदस्यीय टीम उन्नाव में मरीज के घर पहुंचकर टीम ने की सैंपलिंग। टीम ने मोहल्ले के 50 लोगों की ब्लड, यूरिन के सैंपल लिए, गलियों में एंटी लार्वा और अन्य दवाओं का छिड़काव कराया। मिश्रा कॉलोनी शुक्लागंज से मिला था जीका वायरस का मरीज। आजमगढ़ में 2 युवकों पर किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप है। स्थानीय लोगों की मदद से किशोरी को युवकों के चंगुल से छुड़ाया गया। सरायमीर थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस ने मामले की गंभीरता और तनाव की स्थिति देखते हुए 2 सीओ और 4 थानों की पुलिस को तैनात कर दिया है। आज सुबह लगभग 8 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि सरायमीर कस्बे में एक घर के अंदर एक लड़की को बंधक बना के रखा गया है और उसके परिवारजनों के द्वारा उस लड़की को छुड़वाया गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जो लड़की थी, जो परिवारजनों के द्वारा जिसको छुड़वा लिया गया था, उनको मेडिकल के लिए तत्काल भेजा गया जिला अस्पताल। उनको उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, उनके स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। अभी वर्तमान में बिल्कुल ठीक है और इसके साथ साथ मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया है, वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। परिजनों के द्वारा अभी तहरीर दी जा रही है। उनके आरोप लगाया गया है कि मोहल्ले के रहने वाले कुछ लड़के हैं जिनके द्वारा ये घटना की गई है। जो भी परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है उस पर तत्काल FIR पंजीकृत की जाएगी।